पहली बार देखने में आया कि पार्टी से जुड़ा संगठन बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जा रहा है। प्रदेश व केंद्र के नेता छात्रों की नब्ज टटोलने में नाकामयाब रहे, जिसके कारण यह विरोध फूटकर सामने आया है। पानीपत लघु सचिवालय के सामने बीजेपी सरकार शर्म करो, बीजेपी सरकार डूब मरो, ये नारे कोई और नहीं बीजेपी का ही छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगा रहा है। हरियाणा की बीजेपी सरकार समेत केंद्र की मोदी सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं। आज भी एबीवीपी छात्र संगठन अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर पानीपत लघु सचिवालय में पहुंचे और प्रदेश के शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आपको मैं बड़ी स्पष्टता से रखना चाहूंगा मीडिया के सामने माध्यम से, विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी, परंतु बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई। तो जिस संगठन की स्थापना एक संघ पार्टी से पहले हो चुकी है, लगभग 30 साल पहले, तो किस प्रकार से उस पार्टी का छात्र संगठन हो सकता है? विद्यार्थी परिषद एक स्वतंत्र छात्र संगठन है। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विद्यार्थियों की आवाज़ उठाते रहे हैं। हम राष्ट्रनीति की राजनीति करते हैं, विद्यार्थियों के आवाज़ उठाते हैं, विद्यार्थियों के लिए राजनीति करते हैं। वे भी एक स्वतंत्र छात्र संगठन है, और जो लोग ये कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद को हमारे साथ आना चाहिए, उन लोगों को विद्यार्थी परिषद के साथ आना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी परिषद इकलौता ऐसा छात्र संगठन है जो वर्ष भर के 365 दिन विद्यार्थियों के बीच में रहकर दिन रात उनकी आवाज़ उठाता है। बाकी छात्र संगठन होंगे बरसाती मेंढक, परंतु विद्यार्थी परिषद हमेशा से आवाज़ उठाता आ रहा है और निरंतर उठाते रहेंगे। इस लॉकडाउन में भी हमने 4 बार हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के शिक्षा मंत्री को मिला। हमने जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ तुरंत एक मांग पत्र और सुझाव सरकार के सामने रखे थे कि आप इन सुझावों को मानिए तो विद्यार्थियों को परेशानी नहीं होगी, परंतु कुछ अन्य छात्र संगठन आज अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण, अपने राजनीतिक रोटी सेकने के कारण आज बिल से बाहर निकले हैं, परंतु विद्यार्थी परिषद हमेशा आवाज़ उठाता आया है और आगे भी विद्यार्थियों के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा जो नीट और JEE एग्जाम को लेकर अभी निर्णय दिया गया है, उसमें परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, तो उसमें विद्यार्थी परिषद ने भी स्पष्टता से मत रखा है कि जो विद्यार्थी एग्जाम देने आएगा उनको लेकर एक ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा उनके लिए अवेलेबल हो, जो उनके अभिभावक उनके साथ एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो उनके आवास की व्यवस्था हो, सारे परीक्षा केंद्रों को ठीक प्रकार से सैनिटाइज किया जाए, और ABVP द्वारा भी एक हेल्पलाइन नंबर में किसी भी सहायता के लिए विद्यार्थी हमारे पास भी कॉल कर सकता है। तो हमने पूरे देश भर में और अपने हरियाणा प्रदेश में भी एक हेल्पलाइन नंबर उनके लिए जारी किया है। इसमें एक बड़ा विषय जो है कि लगभग लाखों में विद्यार्थी JEE और नीट का एग्जाम देंगे, और अगर अब की बार इस सेशन में उनके एग्जाम नहीं कराया जाता, उनकी सीटों में उनका एडमिशन नहीं लिया जाता, तो अगले वर्ष यह संख्या दोबारा से बढ़ जाएगी, दोगुनी संख्या हो जाएगी, लेकिन सीट सीमित रहेंगी और विद्यार्थी ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा विद्यार्थी दौड़ से बाहर हो जाएंगे, ज़्यादा विद्यार्थी अपना एडमिशन नहीं करा पाएंगे। तो विद्यार्थी परिषद इसमें मानना है कि सरकार को उनका ध्यान रखते हुए कोई भी विद्यार्थी परीक्षा से वंचित न रहे, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, अन्य प्रकार की सुविधा उनको अवेलेबल कराई जाए, ताकि एक जो आज के समय में जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है उसमें विद्यार्थी सुविधाजनक तरीके से अपना परीक्षा दे सके, परीक्षा उसकी ना छूटे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।